वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑल अबाउट इंजीनियर पर स्वागत है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो AICTE की तरफ से जो इंटर्नशिप मिल रही है उसके बारे में है कि वो कब, क्या उसकी डेडलाइन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप उसको ले सकते हैं, क्या क्या उसका पूरा फंडामेंटल, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेडलाइंस के बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन, इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था वो 14 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था। इसका जो एप्लीकेशन क्लोज का प्रोसीजर रहेगा वो 5 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आपके पास अभी भी 10-15 दिन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। और ये करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके रिज्यूमे के लिए। अगर आपको इंटर्नशिप AICTE की तरफ से मिलती है या फिर एक XYZ कंपनी की तरफ से मिलती है, तो AICTE की तरफ से वाली जो इंटर्नशिप रहेगी वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और ऊपर से 6 महीने की इंटर्नशिप है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, आपको सारा A to Z प्रोसीजर इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है कि जो 30 बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका अनाउंसमेंट 10 जनवरी को ये लोग करेंगे। 5 जनवरी तक एप्लीकेशन प्रोसीजर है, 10 जनवरी को ये जो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका अनाउंसमेंट करेंगे। 15 से 25 तारीख तक इनका फ्री ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट रहेगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा AICTE की तरफ से। और 1 अप्रैल से जो है इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था इम्पॉर्टेंट डेट्स जो थी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट बच्चा इस इंटर्नशिप को ले सकता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप फोर्थ ईयर में हो, ये सबके लिए ओपन है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी इसको ले सकते हैं, फोर्थ ईयर वाले भी इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए। कोई सा भी सेमेस्टर हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पे आपको जाना होगा। आपको ये जो वेबसाइट है इस पे आना होगा। तो इस वेबसाइट पे पहले हम स्टार्टिंग से आते हैं। तो ये जो वेबसाइट रहने वाली है, वेलकम टू कोरोना सेफ इंजीनियरिंग फेलोशिप, कोरोना सेफ इंजीनियरिंग फेलोशिप, वो आपके इंटर्नशिप के लिए जो आपका नाम रहने वाला है उसका, वो ये रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है अप्लाई फॉर फेलोशिप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उठाते हुए लेते जाइए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो आपको करना क्या है, अप्लाई फॉर फेलोशिप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल भर देनी है, देन आपको यहाँ पे ईमेल भरने के बाद करना है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, आपको ईमेल पे जाना है। तो जब आप अपने मेल बॉक्स में जाएंगे तो आपको इस टाइप से मेल मिलेगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो आप इस, जब आपने लॉगिन क्लिक करा तो आपको इस टाइप का कुछ पेज आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप से एक फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म को फिल करना है। आपने अपने यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर, फुल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपने कॉलेज का नाम डालना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आपको नाम डालना है, सेमेस्टर कौन से आप नेक्स्ट जो आपका जनवरी से अप्रैल तक का रहेगा उसमें आप कौन से सेमेस्टर में रहेंगे, कॉलेज का नाम आपको अपना डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना स्टेट डालना है जिस स्टेट में आपका कॉलेज है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई वेबसाइट पहले बनाई हुई है, आपने वेब डेवलपमेंट पे काम करा हुआ है, तो आप यहाँ पे उसके लिंक्स डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बताना है कि आप कैसे प्रोग्रामिंग को एंजॉय करते हैं, या फिर कुछ भी आपको XYZ आपको अपनी चीज़ बतानी है अपने बारे में, तो आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको डालना है आपको ये प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सबमिट एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये आपको बोलेगा रिवील प्रोग्रामिंग टास्क, आपको अपना एक प्रोग्रामिंग टास्क मिलने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रिवील प्रोग्रामिंग टास्क करना है। और ये प्रोग्रामिंग टास्क जो है 5 घंटे से लेकर 2 दिन में आप ये कभी भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह से आपको एक वीडियो आ जाएगी, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है, 5 घंटे से लेकर आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। और यहाँ पे आप अपना कोड सबमिट कर सकते हैं, थर्ड वाला जो है ये। नेक्स्ट आता है आपके ऊपर, यहाँ पे ये आपका रिजल्ट बताएंगे जब आप अपना सबमिट कर देंगे कि आपने ये कोडिंग टास्क परफॉर्म करा कि नहीं परफॉर्म करा, मतलब आपका क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो ये थी
तो ये देखिए, जो 14 दिसंबर से 5 जनवरी तक इसकी एप्लीकेशन पीरियड रहेगी, वो एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो, AICTE की तरफ से ये इंटर्नशिप और ये आपको प्रोग्राम मिल रहा है फ्री ऑनलाइन कोर्स का, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दोनों लिंक उठाइए, इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, और एक आप इसके कोरोना सेफ इंजीनियरिंग फेलोशिप की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप इसको फॉर्म फिल करिए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, प्रोग्रामिंग टास्क रिवील करना है, उसके बाद आपको प्रोग्राम बनाना है और उसको सबमिट करना है, तो आपके चांसेस हैं, आपके चांसेस रहेंगे और आपके चांसेस हमेशा से थे। तो आप उसे जाइए, इसे क्लियर कीजिए, AICTE का ये जो इंटर्नशिप है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।